आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में, कॉमन कोल्ड जिसे के नज़ला ज़ुकाम कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि कॉमन कोल्ड होता किस वजह से है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो वजह बन सकते हैं कॉमन कोल्ड की। लेकिन इनमें भी हम देखें कि मोस्ट कॉमन वायरसेस जो हैं वो राइनो वायरसेस हैं जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड होता है। अब अगर हम साथ में देखें कि कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स, उसकी अलामत क्या हैं, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं मुख्तलिफ सिम्टम्स अलामात, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है कॉमन कोल्ड में। नाक से पानी आता है यानी कि रनी नोज। इसके अलावा हम देखते हैं कि गला ख़राब हो जाता है जिसे कि हम कहते हैं कि सॉर थ्रॉट होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि खांसी होती है और इस तरह से लगता है कि जैसे नाक में ख़ारिश हो रही है यानी कि स्नेजिंग। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि कॉमन कोल्ड में भूख भी कम लगती है यानी कि क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके साथ हम देखते हैं कि जब कोई नज़ला ज़ुकाम होता है तो साथ में फीवर यानी कि बुखार हो जाता है। हम देख रहे हैं जो फीवर है वो लो ग्रेड फीवर होता है। लो ग्रेड फीवर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है जिसे कि हम जानते हैं वो है 98.6 फ़ारेनहाइट, उससे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और वो हो जाएगा तकरीबन 100.4 फ़ारेनहाइट। यानी कि टेम्परेचर हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, इसलिए हम कहते हैं कि वो क्या है, लो ग्रेड फीवर। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, हेडेक होता है यानी कि सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, और साथ में हम देखते हैं कि जब सर दर्द होगा तो साथ ही कानों में भी दर्द स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये कि एयरिक होता है। साथ में हम देखते हैं कि जब कॉमन कोल्ड होता है यानी कि अगर नज़ला ज़ुकाम हुआ है तो फिर नौजिया वाली फीलिंग भी आती है। नौजिया जैसे कि मतली होना, दिल ख़राब होना, ये तो कुछ सिम्टम्स हैं यानी कि अलामात हैं जो हमने देखी कि कॉमन कोल्ड में होती हैं। अब अगर कॉमन कोल्ड हो गया है यानी कि अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम हो गया है तो फिर क्या करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स को इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें भी कौन से लिक्विड, ज़्यादातर जो गर्म लिक्विड हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सूप हो गया, जुशांदा हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रीन टी और कॉफ़ी को भी इस्तेमाल किया जाता है जब कॉमन कोल्ड हो। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है कॉमन कोल्ड से, उसमें हम देखें तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी को कोल्ड है, उसको नज़ला ज़ुकाम है, तो टॉवल यानी कि जो तौलिया है वो शेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि नोज़ को बार बार टच नहीं करना चाहिए, और अगर कोई पर्सन स्मोक करता है तो देखते हैं कि जो सिगरेट है वो भी शेयर नहीं करना चाहिए। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो हाथ है उन्हें अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, और बेहतर ये होता है कि हाथ किसी सैनिटाइज़र से धोए जाएं। सैनिटाइज़र क्या होता है? वो हम कह सकते हैं कि लिक्विड जो जर्म्स को, जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए, और जैसे कि हमने सिम्टम्स में देखा था, अलामात में देखा था कि नाक से और आँखों से पानी आता है, तो उसको साफ़ करने के लिए डिस्पोजेबल टिश्यू इस्तेमाल करने चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये कुछ प्रिकॉशंस हैं यानी कि अगर हम इस तरह से एहतियात करें तो उससे क्या होगा, कॉमन कोल्ड नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कॉमन कोल्ड के बारे में।